नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं, अंतरिक्ष घटनाएं हमें हमेशा से लुभाती आ रही हैं। अंतरिक्ष में 12 दिसंबर को दुर्लभ नजारा दिखा था। साल में सबसे चमत्कार कॉमेट धरती के पास से गुजरने जा रहा है। इसका नाम लियोनार्ड है और इसकी पूंछ हरे रंग की है। आइए फटाफट से जानते हैं कॉमेट लियोनार्ड के बारे में कुछ खास बातें। पहली, हरी पूंछ वाला लियोनार्ड धूमकेतु यानी कॉमेट 12 दिसंबर से धरती के पास से गुजरने जा रहा है। दूसरी, 70,000 साल में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब हरी पूंछ वाला कॉमेट हमारे पास से गुजरेगा। तीसरी, इसकी खोज इसी साल जनवरी महीने में की गई थी। इसे C/2021A1 के नाम से भी जाना जाता है। इसे साल का सबसे चमत्कार कॉमेट कहा जा रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये कॉमेट 12 दिसंबर से धरती के पास सबसे करीब होगा। इस दौरान इसकी पृथ्वी से दूरी लगभग 21 मिलियन मील यानी 35 मिलियन किलोमीटर होगी। अच्छी बात यह है कि इसे रात के समय पूरे महीने आकाश में देखा जा सकेगा और जैसे जैसे महीना खत्म होगा इसकी चमक बढ़ती चली जाएगी। नॉर्थ पोल्स में भी इसे इस डायरेक्शन में किसी टेलीस्कोप या दूरबीन की मदद से देखा जा सकता है। एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि महीने के अंत में शाम को कुछ समय के लिए इसे चमकीले हरे बर्फ के गोले को सूर्यास्त के बाद देखना संभव हो सकता है। इस दौरान इस कॉमेट की हरे रंग की पूंछ भी दिखाई देगी। वैज्ञानिकों ने बताया कि इस बर्फीली चट्टान का आंतरिक भाग सूर्य के जितने पास आता है वह इतना ही गर्म होता जाता है। इससे पहले यह नीली धूल, फिर पीले या सफेद और अंत में हरे रंग का होता जाएगा। दोस्तों, पर खतरे की बात यह है कि पृथ्वी के पास ये कॉमेट टूट भी सकता है। जी हाँ, हरे रंग की पूंछ का मतलब ये कॉमेट काफ़ी गर्म है। इसमें बहुत सारे साइनाइड और डायटोमिक कार्बन हैं। वो इसकी टूटने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होती जा रही है, परंतु डरने की कोई बात नहीं। क्रिसमस के दिन लियोनार्ड को सूर्यास्त के बाद साउथ वेस्ट पार्ट्स में देखने का मौका मिल सकता है। ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप दुनिया में कहाँ हैं। इस कॉमेट के दिसंबर के अंत में सबसे अधिक चमकीला होने की उम्मीद है। आपको बता दूं कि इस कॉमेट की खोज एस्ट्रोनॉमर गैगरी जे लियोनार्ड ने की थी और उन्हीं के नाम पर इस कॉमेट का नाम रखा गया है। ये कॉमेट करीब 35,000 साल तक बाहरी अंतरिक्ष में रहने के बाद अब धरती के करीब आ रहा है। लियोनार्ड कॉमेट को एस्ट्रोनॉमर गैगरी जे लियोनार्ड ने 3 जनवरी को एरिजोना में माउंट लेमन इंफ्रारेड लेबोरेटरी में खोजा था। एस्ट्रोनॉमर्स ने बताया कि 12 दिसंबर को इसे देखने के लिए सबसे अच्छा समय सनराइज से कुछ घंटे पहले का था, लेकिन 14 दिसंबर के बाद ये सनसेट के बाद के आकाश में दिखाई देगा। लियोनार्ड कॉमेट भले ही 12 दिसंबर को पृथ्वी के सबसे करीब होगा, लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि इसे देखने के लिए सबसे अच्छा समय 17 दिसंबर यानी कल शाम का है। इस दौरान लियोनार्ड कॉमेट की चमक अपने सबा पर होगी। दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिससे आप सब कॉमेट की लाइव लोकेशन का भी पता कर सकते हैं। आपके दोस्तों तक ये खबर पहुँचाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने ये कॉमेट देखा कि नहीं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। धन्यवाद।